दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ हेमंत केवलिया। जेबीटी लाइव देख रहे हैं आप। तमिलनाडु के दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो सीएम एम के स्टालिन और पीएम मोदी गर्मजोशी के साथ मिले थे। बल्कि चेन्नई हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय के लिए स्टालिन का हाथ भी पकड़ते हुए नजर आए। इसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात करने के एक दिन के बाद ही तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने हिंदी भाषा के बहाने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। बल्कि स्टालिन ने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु की जनता पर हिंदी भाषा थोपने का भी आरोप लगा दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही दही के पाउच पर दही लिखने को लेकर FSSAI पर स्टालिन ने निशाना साधा था, क्योंकि FSSAI ने दक्षिण भारत में दही बनाने वाली सहकारी संस्थाओं को कहा था कि वो दही के पैकेट पर दही ही लिखें। इसी आदेश के बाद एमके स्टालिन नाराज हो गए थे और उन्होंने इसे दक्षिण भारत पर हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगाया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर FSSAI ने अपना आदेश वापस ले लिया। उधर तमिलनाडु में दही के बाद CRPF की भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हुआ। तमिल भाषा में पेपर नहीं कराने पर स्टालिन केंद्र सरकार से नाराज हैं, खफा हैं। और तो और, अर्धसैनिक बलों की भर्ती परीक्षा का माध्यम तमिल नहीं होने पर गृह मंत्री अमित शाह को सीएम स्टालिन ने पत्र लिख दिया। स्टालिन ने केंद्र के आदेश को भेदभावपूर्ण बताते हुए गृह मंत्री को लिखे इस पत्र में कहा, सरल शब्दों में कहें तो CRPF की ये अधिसूचना तमिलनाडु से आवेदन करने वालों के हितों के खिलाफ है। ये न केवल एक तरफा है बल्कि भेदभावपूर्ण भी है। स्टालिन ने आगे कहा कि अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी लेने से रोकने जैसा होगा। साथ ही तमिलनाडु सरकार के मुताबिक CRPF में 9212 भर्तियों में से 579 भर्तियों को तमिलनाडु से भरा जाना है। इसके लिए परीक्षा 12 केंद्रों पर आयोजित की जानी है। इसके अलावा 100 में 125 अंक हिंदी में बुनियादी समझ के लिए रखे गए हैं, जिसका फायदा हिंदी भाषी उम्मीदवारों को मिलेगा। इसी से खफा होकर स्टालिन ने तमिल भाषा में शामिल करने की मांग की और सीधे गृह मंत्री को पत्र लिख दिया। फिलहाल एक तरफ देश में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाए जाने को लेकर मांग उठ रही है, तो दूसरी ओर तमिल के सीएम की ये मांग क्या कहलाती है? आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। नमस्कार।